फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। यार मैं भी अच्छी हूँ। आज की वीडियो ना थोड़ा अलग होने वाला है, तो चलिए आप सभी को घुमाते हैं भारत महोत्सव। तो पूरा वीडियो बने रहिएगा, ओके। और अभी शाम के टाइम ना मैं रेडी हो गई थी, अभी 5 बज रहा है और मैं रेडी हो गई थी जाने के लिए। अभी ना 1 महीने से लगा है, बट ना बाबू के पापा को अभी टाइम ही नहीं मिलता था, छुट्टी नहीं रहती थी। और जैसे मैं आज रेडी हुई तो आज भी चले गए, पता नहीं क्या। 5 बजे मैं रेडी हो गई थी और चले गए थे, आए थे थोड़ी देर कि मैं रेडी हो गई कि चलो चलो। इसके वजह से मैं रेडी हुई, बाबू को मैं रेडी करी, इसके बाद पता नहीं कहाँ गायब हो गए। घर किसी काम से जा रहा हूँ, यहाँ दिख रहे हैं, इसके बाद से गए थे और 6 बजे आए थे घर। चलो 6 बजे तो खाना बनाने का टाइम हो जाता है। और बाबू है ना, इसका तबीयत ख़राब चल रहा है, थोड़ा और ठंडी लग जाएगी, ठंडी लगाई है, तो इस वजह से मैं नहीं गई थी। और ये ना दूसरे दिन की क्लिप है। यहाँ पे दोपहर में हम लोग पहुँच गए थे और अभी एंट्री कर लिए हैं। यहाँ पे बाबू के पापा ले रहे हैं टिकट, और 40 रुपीज़ टिकट है। तो चलिए पूरा वीडियो दिखाते हैं, ओके। और वीडियो देख रहे हैं तो प्यारा सा लाइक कर दीजिएगा, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ओके। तो फ्रेंड्स देखिए ना, यहाँ पे साड़ी लगी हुई थी और साड़ी 500 में 2 साड़ियाँ थी, मतलब ठीक था रेट, अच्छा था। बट मुझे साड़ी वगैरह नहीं लेना था, वैसे भी लेके साड़ी ना पहनना है नहीं, और साड़ी तो भी मैंने बहुत ज़्यादा रखा हुआ है, ठीक ही था बट उतना सही नहीं लगा मुझे, इसलिए मैंने नहीं लिया था। और इसके बाद से हम आगे चले गए थे यहाँ पे, और यहाँ पे ना होम डेकोरेशन का सामान ना बहुत अच्छा मिलता है, और कपड़ा वगैरह भी मिलता है, बट उतना अच्छा नहीं जितना मतलब हमको तो ये अच्छा लगा था। मैट वगैरह, रजाई के कवर वगैरह, बेडशीट, कंबल, ये सब अच्छा मिल रहा है। और मतलब ये लकड़ी के आइटम भी बहुत अच्छे अच्छे थे, और यहाँ पे भी 100 रुपीज़ में था, मतलब कोई भी ले लो तो हमको नहीं अच्छा लग रहा था। बट इधर आ गए थे अब, और मैंने कुछ बाबू के लिए भी खिलौने वगैरह लिए थे। यहाँ पे कंगन वगैरह भी काफ़ी अच्छे थे, ये 100 रुपीज़ में कंगन कोई भी ले लो, अच्छा था। बट ज़्यादा हैवी था ये पार्टी वेयर वगैरह के। और यहाँ पे ना बाबू को एक खिलौना पसंद आया था, ऐसे मंकी वाला था, मतलब डमरू टाइप में बजाने वाला, तो इनको पसंद आया, देख के हंसने लगे थे, तो मैंने इनको दिलाया था। यहाँ पे ना 40 रुपीज़ में कोई भी खिलौना दे रहा था, और इधर पीछे की तरफ लिखा था 40 रुपीज़ हर एक माल, बट मैंने देखा ही नहीं था। अभी मैंने देखी वीडियो में, मैंने देखा अच्छे से, यहाँ पे ये जो डमरू जैसा दिख रहा है ना, इसको ना हमको 50 रुपीज़ में दिया था, क्योंकि हम लोगों ने देखा ही नहीं था। यहाँ पर ना सावधानी ना रहो ना, तो जो 50 रुपीज़ का सामान है वो 100 रुपीज़ का ये लोग दे सकते हैं, तो इसलिए देखना पड़ता है। और देखिए भी यहाँ दिख रहा है ना, और यहाँ पे भी बहुत प्यारा प्यारा सामान था, लकड़ी के आइटम थे, फ्लावर वगैरह रखने के लिए था, ट्रे वगैरह सब कुछ बना था, बहुत अच्छे अच्छे थे, तो मैंने भी यहाँ पे एक लिया था। Thank you.
तो फ्रेंड्स इधर भी देखिए बहुत प्यारे प्यारे आइटम लगे थे। इधर नाइट सूट वगैरह 650 650 में दे रहे थे और काफ़ी अच्छा है। मतलब कोई भी यहाँ पे ले सकता है। महंगे वाले लोग जिनके पास बहुत ज़्यादा पैसा है, जिनके पास बहुत ज़्यादा कम पैसा है, मतलब सब पूरा हो सकता है यहाँ पे। यहाँ पे मतलब सस्ते वाले लोग भी जाते हैं, महंगे वाले लोग भी जाते हैं, इसीलिए अच्छा है कि मतलब और यहाँ पे ना सबसे प्यारा तो मुझे यही लगा, मैट यहाँ पे बहुत ज़्यादा अच्छा था। यहाँ पे ये मतलब बोल रहे थे ना कि 800 में दे देंगे, बट मैंने बोला कि 500 में दे देंगे, कह रहे कि हाँ ले जाइए, तो मुझे लेना ही नहीं था। और यही चीज़ मुझे अच्छा लगा, यहाँ पे मैट बहुत प्यारे प्यारे मिल रहे थे। और ये पर्स ना 100 रुपीज़ में था, मतलब बोल रहा था कोई भी 100 रुपीज़ में ले लो। मैं बोल रही थी ना कि अच्छा लग रहा है, बट उनके पापा बोल रहे हैं मत लो, अच्छा नहीं है, इसकी अच्छी क्वालिटी नहीं है वगैरह वगैरह। फिर मैंने नहीं लिया था, बट मुझे अच्छा लग रहा था। और यहाँ पे ना कप वगैरह मतलब शीशे के आइटम थे, अच्छे थे। मैं सोच रही थी बाबू को ले लो दूध पीने के लिए, बट तो तोड़ ही देंगे। मैंने देखा था अच्छे अच्छे थे, 80 रुपये में दे रहे थे। और मतलब 80 रुपये से स्टार्टिंग था एक कप का, ऐसे एक मतलब ले लो। Thank you.
और अभी यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो बोर्ड लगा है ना, इधर ना सारे मतलब हाथ से बनाए हुए आइटम थे, इधर बहुत प्यारा प्यारा था। और इधर स्टेज भी बना हुआ था, बाबू स्टेज के पास भी जाके बहुत खेले थे, वहाँ स्थानी का नाम ही नहीं ले रहे थे। देखिए यहाँ पे सब ना हाथ से बनाए हुए आइटम है, मूर्ति वगैरह, हाथी, घोड़े, मतलब हर चीज़ है यहाँ पे। और बहुत प्यारा प्यारा था, बहुत सुंदर लग रहा था ये सब। और यहाँ पे खिलौना देख के बाबू ना मतलब हंसने लगे थे, इनको अच्छा लग रहा था, तो मैंने ले लिया था, 50 रुपीज़ का दिया था। और ये खिलौना लेने के बाद ना ये मतलब गोदी में आ ही नहीं रहे थे, इनको नीचे चलना था रोड पे, मतलब गाड़ी चलाना था, ये चलाने वाला है ना गाड़ी, ऐसे पकड़ के हाथों से बच्चों के लिए थे। यहाँ पे इनके पापा चला चला के थक गए थे, इसके बाद से हम थोड़ी देर चलवाए थे। देखिए ना अभी इधर बाबू खेल रहे हैं ना, इधर स्टेज बना हुआ था, इधर चेयर वगैरह भी लगा था, और इधर इनको बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था। गाड़ी ले लिए थे, अपना गाड़ी चला रहे थे, खेल रहे थे। अभी ना शाम होने वाला है, 5:30 हो ही रहा है, हमको लग रहा है 6 बजे तक हम घर जाना चाहिए, क्योंकि अभी ना ठंडा लगने लगेगा बाबू की इसी वजह से। तो हम कल नहीं आए थे कि बाबू को ठंडा लग जाएगा। और इधर ना बेड वगैरह मतलब लकड़ी के आइटम थे, बहुत ज़्यादा अच्छे अच्छे थे, टेबल वगैरह भी था। और इसके बाद से इधर अभी निकलने के टाइम मैं खाई थी थोड़ा सा चाउमीन, बाबू पापा नहीं खाए थे, इनको खाने का मन नहीं था। Thank you.
और इधर हम लोग निकल गए हैं और अभी हम लोग जा रहे हैं घर। और इसी के साथ में वीडियो का एंड कर रही हूँ, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।